बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर तुरलाक महाकुंभ का आयोजन किया गया है। महाकुंभ का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। ये महाकुंभ 17 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के साधु संत भाग लेंगे। बेगूसराय के सिमरिया में गंगा घाट पर तुलार्क महाकुंभ का आयोजन किया गया है। महाकुंभ का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंजू वर्मा, विधायक और साधु संत मौजूद रहे। मौके पर मौजूद साधु संतों ने सीएम नीतीश कुमार के काम की तारीफ की। सब पधारे हैं और उन्होंने बड़ा मजबूती से कहा कि ये कुंभ स्थल है, ये होगा, और ये भी कहा कि भाई एक दर्जन कुंभ स्थल है और सब छिपा हुआ है। कभी कुंभ था, बीच में वो गौण हो गया और फिर से उसको वो प्रतिष्ठा मिल रही है, तो इसमें लोगों का जो सहयोग मिला है ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। सिमरिया में गंगा घाट पर 17 नवंबर तक महाकुंभ का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के ठहरने और खाने के इंतजाम किए गए हैं। कुंभ समिति का दावा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग सिमरिया घाट पर कुंभ स्नान के लिए आएंगे। सिमरिया घाट पर हर साल कार्तिक महीने में कल्पवास के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहां कुंभ का आयोजन कर सरकार ने बड़ी पहल की है। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। जमुई के एक शख्स ने